हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो बहुत सारी क्वारीज और आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो उन सबको सम अप किया है और जो मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन थे ना उनको लेके आया हूँ कि जिससे आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो सॉल्व हो जाए कि आईपीएल में क्या होने वाला है वगैरह वगैरह करके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आईपीएल से रिलेटेड। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच टीम हैज़ द मोस्ट डेंजरस ओपनिंग प्लेयर इन आईपीएल 2021। मैं देखो पर्सनली ना मेरे को तीन टीमों का है ना बहुत अच्छी ओपनिंग प्लेयर लगती होंगी। लास्ट सीजन तक तो मेरे को जॉनी बेस्ट और डेविड वार्नर की अच्छी थी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था और दोनों के दोनों फाड़ खेलते थे स्टार्टिंग से, दोनों को टेंशन नहीं थी विकेट की, दोनों मारते थे उनके लगते भी थे। सेकंड मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की पंजाब से लास्ट ईयर, दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है क्योंकि कर्नाटका से दोनों अंडर मतलब 15-14 सब खेले, बचपन के दोस्त थे तो दोनों में थोड़ी ट्यूनिंग बैठी हुई कि कैसे रन मारने वगैरह, और केएल राहुल आराम से खेलते हैं तो मयंक अग्रवाल पूरे 6 पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं उसको लेते हैं। बट 2021 में तो यार एक ही हो सकती है एमआई की, बहुत प्यारी उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट राइट है डीकॉक और रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा अपना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं जो इंडिया के लिए बोलिंग करते हैं, इंडिया के लिए मारना शुरू करते थे, बट एमआई के लिए उनको डीकॉक है जो ऐसे वो कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पावर प्ले के अंदर, पहले 6 ओवर का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, अगर बॉल या फिर जूसी बॉल मिल जाती रोहित शर्मा को तो वो मारना स्टार्ट करते हैं, बाकी वो ट्राई करते हैं कि आखिरी के 10-15 ओवर तक खेले एटलीस्ट, और डीकॉक स्टार्टिंग से मारना स्टार्ट करते। तो एमआई की है रोहित शर्मा और डीकॉक की। तो सेकंड क्वेश्चन है विच टीम हैज़ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन आईपीएल 2021। यार वो टीम भी और उनका बॉलिंग लाइनअप, उनकी पूरी टीम ही अनरेटेड है। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद अब नाम चेंज हो गया, 2009 में किसी को उम्मीद नहीं थी वो जीतेंगे, बट सीरियसली बोलूँ बेस्ट टीम उनका सारा कंबाइन जो कि उनका पूरा लाइनअप पूरा ऐसा है कि मतलब कि हाँ हर चीज़ उनके पास है, और उनकी बॉलिंग तो बेस्ट लगती है मेरे को, वो बहुत अनरेटेड बॉलिंग है उनकी और बेस्ट भी है। क्यों संदीप शर्मा भुवनेश्वर को वैसे स्टार्टिंग के 6 ओवर में पावर प्ले में आके बॉलिंग कर सकता है अगर उनकी ठुकाई गलती से हो जाए, क्योंकि उन दोनों को स्विंग मिल जाता है तो वो आराम से पहले के 6 ओवर का फायदा उठा सकते हैं और विकेट ला के देंगे। अगर फिर भी उनको विकेट्स नहीं मिलते हैं तो टी नटराजन ने जो अलग ही पेस या यॉर्कर या फिर उनके पास मीडियम फास्ट बॉलिंग है ना ऑफ कटर्स वगैरह वो यूज़ कर लेते हैं स्टार्टिंग के ओवर में जहाँ पर उनको विकेट ना मिले, फिर भी नहीं मिलते तो उनके पास एक और ऑप्शन है जेसन होल्डर का, जो चार अगर आपके पास है ना ऐसा बॉलिंग टीम के कैप्टन और आपके पास चार ऑप्शन है पावर प्ले के अंदर तो बेस्ट टीम है आपकी। जेसन होल्डर हो गए उनके पास जो ऑलराउंडर है उन्होंने लास्ट ईयर पिक किया था जिनको, और बीच के ओवर में राशिद खान, भाई उस आदमी की इकोनॉमी 15-20 रन वो से ज़्यादा देता ही नहीं वो रन तो क्या है, और विकेट्स ला के देता है, विकेट्स राशिद खान को नहीं मिलता है एग्जैक्टली जो उनके साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं ना उनको, क्योंकि राशिद खान को तो मारने से रहे सामने और टीम वाले, तो जो दूसरा प्लेयर हो उसको ऑब्वियसली विकेट मिल जाता है, और छठा उनको अब्दुल समद है जो एक दो ओवर डाल सकते हैं एज अ ऑलराउंडर, दूसरा और विजय शंकर, तो यार सात बॉलिंग ऑप्शन होना जिसका टर्न हुआ उसको और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना ऐसा रच की बहुत प्यारी बॉलिंग है और वो 180 और 190 से ज़्यादा देने वाली टीम मेरे को लगती नहीं है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऋषभ पंत बीइंग अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल फॉर द 2021 आईपीएल सीजन। यार दिल्ली के फैंस सुनो मारना मत मेरे को मेरा व्यू है पता नहीं तुम्हें पसंद आया ना, बट पंत को बहुत जल्दी कैप्टन बना दिया, एक तो वो छोटी उम्र है माना एक्सपीरियंस है, बट 6 महीने पहले तक उसको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही थी ऋषभ पंत को अपनी मतलब जगह बनाने के लिए, सिडनी टेस्ट में अच्छा खेलना पड़ा, सिडनी टेस्ट को उन्होंने ड्रॉ कराया, उसके बाद ब्रिस्बेन में उन्होंने टीम इंडिया को जीता, फिर उसके बाद अभी होम सीरीज़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बट 6 महीने पहले तक उसकी पोजीशन नहीं थी, अब वो फॉर्म में आ गया तो आप एक साथ इतना बर्डन कैसे दे सकते हो, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था कि एक दो सीज़न और हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस तो आता ही उसके साथ वो पक्का हो जाता है ना कि एस्टेब्लिश कर ली उसने पोजीशन टीम इंडिया में, जिस बंदे की पोजीशन नहीं थी उसको आप अचानक से कैप्टन बना दोगे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगी, और क्या पता सीजन अच्छा ना जाए उनका ऋषभ पंत का एज अ कैप्टन तो उन पर फिर वो ये होते कि पोजीशन देना दे, तो बहुत जल्दी करते एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखती उनसे हैवी, और ऑब्वियसली बात है यार तुम लोगों के पास इतने एक्सपीरियंस है, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन टेस्ट के अजिंक्य रहाणे थे आपके पास स्टीवन स्मिथ थे आपके पास शिखर धवन थे आपके पास यार किसका नाम है बोल रहा हूँ को प्लेयर थे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है आपके पास, हाँ रविचंद्र अश्विन, जब आपके पास इतने अच्छे और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको आप कैप्टन रख सकते हो तो ऋषभ पंत को इतना सारा बर्डन रखने की क्या जरूरत है, इतनी जल्दी उनको अपना टाइम दीजिए, वो अपना आप जो एज अ प्लेयर उनको उभरने दीजिए और टाइम दीजिए और बाकी वो कैप्टन अच्छा वही ऑब्वियसली बात है अय्यर अभी कैप्टन बने तो अय्यर तो आते से उनका अय्यर को वापस आपको कैप्टन बना देते, तो इससे बेटर था कि आप पहले स्टीवन स्मिथ अश्विन या फिर अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बना देते, अब देखते हैं जो होता है कि क्या पता अच्छा कर जाए बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी करती है सब पंतों की कैप्टन बनाने में। फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई डिड CSK रिलीज केदार जाधव इन द IPL 2021। यार MS धोनी को जिस कैटेगरी के प्लेयर पसंद है ना वो केदार जाधव था,
ऑलराउंडर था, बॉलिंग कर सकता था, बैटिंग कर सकता था, बट मेरे अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा था। 7.8 करोड़ में उन्होंने 2018 के आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था। बहुत मेरे हिसाब से प्राइस मनी ज़्यादा था और उनका पर्स खाली करना था, इसलिए उन्होंने केदार जाधव को रिलीज़ किया। बाकी कोई रीज़न लग नहीं रहा है कि केदार जाधव को क्या रिलीज़ किया, हो गया ये बस। कैन यू प्रिडिक्ट द 4 टीम दैट विल क्वालिफाई फॉर द आईपीएल 2022? जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 4 टीम में होगी मेरे हिसाब से MI ऑब्वियसली जब आए हो सकती है, दिल्ली और RCB। दिल्ली का बहुत वो टीम बन चुकी है कि आने वाले 4-5 साल की उनकी फ्यूचर टीम बन चुकी है, बट एक ही डाउट है IR के रिप्लेसमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो ठीक है, वरना RCB क्वालिफाई कर सकती है। SRH एंड चेन्नई, ये 4 टीम जो क्वालिफाई कर सकती है मेरे को। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि IPL 2021 होगा। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, पता नहीं क्या होगा, बट होप सो अच्छा ही हो। दादा पे पूरा भरोसा है कि अच्छा मैनेजमेंट करके रखे, 3 से 4 प्लेयर पॉजिटिव आ भी चुके कोरोना के, बट स्टिल होप सो कि अच्छा ही होगा और को IPL पूरा देखने का मौका मिलेगा। बस ये एक चीज़ हो सकता है कि क्राउड को बाद में भी अलाउड ना करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो एज अ IPL फैन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे माइंड में, वो थोड़े सॉल्व होंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।